देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। जिन सीबीएसई स्कूलों के कर्मचारी एवं शिक्षकों पे अन्याय हो रहा था, उन्हें अब सीसॉ के माध्यम से मिलेगा न्याय। महर्षि सीबीएसई स्कूल ने अब तक नहीं की सुनवाई, सीसॉ को मिली सफलता। जिला परिषद सीओ के आदेश से सीसॉ प्रसन्न। भंडारा शहर में सीबीएसई स्कूल के कर्मचारियों के लिए सीसॉ इस संगठन के माध्यम से आवाज उठाई जा रही है। इसी प्रकार महर्षि स्कूल के दो कर्मचारियों ने जिला परिषद सीओ से न्याय की गुहार लगाई थी। इसके बाद 10 अगस्त 2020 को निर्णय दिया गया कि शिक्षक जयश्री जोशी एवं वंदना ईश्वरकर, इन दोनों को महर्षि सीबीएसई स्कूल संगठन से इनकी आगे की सुनवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक महर्षि स्कूल की ओर से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली है। इस विषय को लेकर इनके वकील एडवोकेट केएल पाटिल ने बताया, स्कूल की संस्था द्वारा न्याय नहीं मिला तो आगे न्याय के लिए हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने होंगे। जिला परिषद सीओ की तरफ से जो निर्णय लिए गए हैं, उस निर्णय का सीसॉ एवं शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने आदर किया है। उसी प्रकार इस वर्ष की शुरुआत में सीसॉ ने संविधान चौक नागपुर में जो जन आंदोलन का बिगुल बजाया था, उसकी गंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक पहुंची। परिणाम स्वरूप सीबीएसई के उप सचिव संबंधता ने राज्य शिक्षा विभाग को आदेश भी जारी कर दिए हैं, जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को न्याय दिलाने में अवश्य सकारात्मक साबित होंगे। उपयुक्त आदेश सीसॉ की एक असाधारण विजय है। सीसॉ के जन आंदोलन की एकता, संघर्षशीलता और निडरता का यह एक मीठा फल है, जिसके तीव्र गति से सीबीएसई ने यह आदेश जारी किए है। यह सीसॉ के जन आंदोलन का आश्चर्यजनक परिणाम है। इस आदेश ने सीबीएसई के उन तमाम शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के मन में उम्मीद की किरण जगाई है, जो अब तक स्कूल प्रशासन के अत्याचार के अंधकार में अपनी अस्मिता गवा बैठे थे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज बार बार अपनी खबरों के माध्यम से अन्याय के खिलाफ जागरूक कर रहा है, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। मैं एडवोकेट केएल पाटिल, मेरे जो क्लाइंट है वंदना ईश्वरकर और जयश्री जोशी, इनकी समस्या के बारे में मैं माननीय सीओ जिला परिषद भंडारा इनके आगे अपना पक्ष रखा। महर्षि विद्या मंदिर के अगेंस्ट में ये कर्मचारियों की जो समस्या है उसके बारे में ये माननीय सीओ के आगे सुनावनी हुई, और उसका जो मेन बात है कि ये दोनों समस्याओं के बारे में कि प्रशासन और मैनेजमेंट और हेडमास्टर्स, इन्होंने नियम की उल्लंघन किया है, और उनके ऊपर जो कर्मचारियों के ऊपर जो एक्शन किया उसकी प्रतिया उनको नहीं दी गई, यानी रिप्रेजेंटेशन की भी स्वीकृति नहीं दी, और जो मैनेजमेंट में जो भी काम किया है वो उन कर्मचारियों को नहीं दिया, और अपने आप ही एक हमने एक्शन लिया इस प्रकार का सीओ के आगे रखा, जिसका कम्युनिकेशन कर्मचारियों को नहीं, और यह सब इलीगल है। और इसलिए माननीय सीओ ने ये लिखा है कि मैनेजमेंट ने और स्कूल ने कोई भी नियम की अमल बजावनी नहीं की और ये गलत है, इसलिए इनको न्याय मिलाने के लिए सुनावनी ली जाए। ऐसा निर्णय 24/8/2020 को माननीय सीओ ने दिया। ये सीबीएसई स्कूल के बारे में सिसवा नाम की जो संगठन है, ये टीचर्स लोगों की और कर्मचारियों की जो समस्या है उसके बारे में एजिटेशन कर रही है, जिसको प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और अब स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, वैसा एचआरडी डिपार्टमेंट को भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसका उन्होंने कि जो नियम के अनुसार जो इनकी समस्या है वो सुलझाने के बारे में स्कूल यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को निर्देश दिया है। इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो होते हैं, बाकी ये जो मैनेजमेंट है ये अपने खुद के रूल्स लगाती है, जो कोई भी डिपार्टमेंट ने इसको सैंक्शन नहीं किया है और ये इलीगल है, इसलिए ये टीचर्स लोगों के बारे में जो निर्णय है उसके ऊपर उन्होंने सुनावनी लेना चाहिए। यदि वो सुनावनी नहीं लेती है तो उसके बारे में आगे अपील की जाएंगी, जो हाई कोर्ट में हो सकती है या ट्रिब्यूनल में भी हो सकती है। इसलिए इन टीचर लोगों को सीओ मैडम की तरफ से कुछ ना कुछ तो भी राहत मिली है, और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट ने फैसला लेना चाहिए। वंदना ईश्वरकर के बारे में उसकी कंटिन्यूशन और वेतन के बारे में निर्णय लेना चाहिए, जो वेतन उनका है वो वेतन नहीं मिलता,
और जयश्री जोशी के बारे में जो उनका मिड टर्म ट्रांसफ़र किया गया वो गलत है। कोई भी स्कूल इस प्रकार से मिडल सेशन में यदि ट्रांसफ़र करती है तो बच्चों के अध्ययन पे उसका असर होता है। ये मैनेजमेंट ने बच्चों को हित ध्यान में न रखते हुए मैडम की ट्रांसफ़र किया है, जिसके बारे में सीओ ने लिखा है कि ये जो मिड टर्म है ये नियम के अनुसार नहीं है। उसके रिविजनेस के बारे में कोई भी निर्णय मैनेजमेंट ने नहीं लिया, इसलिए उसकी बदली भी इलीगल है, इस प्रकार का जजमेंट दिया है। हमारी एक अधिवक्ता के नाते इस बारे में मैं यही कहूँगा कि दोनों के पक्ष में जो सीओ ने निर्देश दिया है उसके मैनेजमेंट ने और प्राचार्य ने जल्दी से जल्दी सुनावनी लेना चाहिए। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।